यस। सो वेज टू मैनिफेस्ट, जो लोग मैजिक बुक की जर्नी में हैं आगे, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर बाय चैप्टर आते जाएंगे वेज, और हम इन पे काम करते चले जाएंगे। जो मैजिक बुक नहीं कर रहे हैं अभी मेरे साथ में, वो लोग इस स्लाइड को ध्यान से सुन लें। सेट योर गोल्स, बी क्लियर, यू विल गेट वॉट यू राइट, जो लिख दोगे वही मिल जाएगा, इसलिए अपने शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिए। एक भी लूप होल मत छोड़ो, मत सोचो कि ये ड्रीम बहुत बड़ा है, लोग क्या सोचेंगे, किसी ने मेरा ड्रीम पढ़ लिया तो क्या सोचेगा, सोचने दो, ड्रीम आपका है, सोचेंगे नहीं। मतलब अजीम प्रेम जी ने कहा था, विप्रो के जो है सीईओ, उन्होंने कहा था कि लेट पीपल लाफ ऑन योर ड्रीम्स, इफ पीपल आर नॉट लाफिंग ऑन योर ड्रीम्स देन दैट्स नॉट इवन अ ड्रीम, सो लेट देम लाफ, लेट देम थिंक वॉट एवर दे थिंक। लिखो, ड्रीम को लिखो, जो लिख दिया वही मिल जाएगा, इसलिए प्रेजेंट टेंस में लिखो और हर लूप होल कवर करो। अगर आपको डाइनिंग टेबल चाहिए 6 सीटर, तो उस पे साथ में खाना खाने वाले भी मांगो और हंसी खुशी खाना खा रहे हैं वो भी मांगो। अगर आपको कार चाहिए तो कार भी मांगो, कौन सी वाली चाहिए, डीजल मॉडल, ब्लैक कलर, सनरूफ, उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस दे दो, जो भी चाहिए मॉडल उसकी स्पेसिफिकेशंस दे दो, उसमें साथ बैठ के घूमने वाले, मजा करने वाले भी मांगो। तो लूप होल्स कवर करो हर चीज के, हर ड्रीम के, क्योंकि अगर आपने लूप होल कवर नहीं किया तो कायनात ना आधी बात सुनती है, फिर वो डाइनिंग टेबल दे देगी, साथ में खाने वाले नहीं देंगे। साथ में खाने वाले मिल जाएंगे लेकिन खुशी से खाने वाले नहीं मिलेंगे, रोते पिटते का खाने का क्या मतलब है ना अपने। सो सेट योर गोल्स, बी क्लियर। एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत पुरानी बात है, अगस्त सितंबर की बात है, एक पार्टिसिपेंट ने लिखा था ड्रीम में कि ऑल माई इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स ऑफ माई हाउस आर वर्किंग फाइन, उनका ये ड्रीम था। उनका एक दिन मोबाइल गिर गया, उनका मोबाइल गिर गया टेरेस से, फोन की स्क्रीन टूट गई लेकिन मोबाइल चल रहा था। उन्होंने ड्रीम लिखा था ऑल माई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर वर्किंग फाइन, वो चल रहा था फोन, बट यूज नहीं कर पा रही हूँ उसको क्योंकि स्क्रीन टूट गई। सो उनको क्या लिखना चाहिए था, आई एम एबल टू यूज इट हैप्पीली, ये भी लिखना चाहिए था। वो फीलिंग भूल गए वो। जब तक आप फीलिंग ऐड नहीं करोगे तब तक वो ड्रीम इनकम्प्लीट रहेगा। लव योर सेल्फ, पे ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, अपना ध्यान रखो, अपनी बात आप नहीं सुनोगे तो कायनात क्या सुनेगी। अपना ख्याल रखो, अच्छा खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस में मत रहो, अपनी मेंटल वेलबींग पे काम करो। स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, ये स्पेशली इंडियन वेमेन की ना इनबिल्ट होती है, इनसे दूर रहो। बच्चों की टेंशन, पति की टेंशन, घर की टेंशन, या ऑफिस में जो काम करते हैं उनको ऑफिस की टेंशन, सबॉर्डिनेट्स की टेंशन मत करो, मत करो, सब काम हो जाते हैं अपने आप। अपना ध्यान रखो, आप ध्यान रखोगे तो कायनात भी आपका ध्यान रखेगी। अगर किसी माँ के 2 बच्चे हैं और एक को तो कुछ भी दे दो वो खा लेता है, दूसरे को ना थोड़े से कहते हैं ना अपने में नखरे नखरे हैं, तो माँ को हमेशा उस नखरे वाले की टेंशन हो जाती है कि भैया ये मतलब खाएगा नहीं। तो टेंशन में मत रहो और कायनात को भी टेंशन मत दो, अपना ख्याल खुद रखो, प्यार करो अपने आप से। हर एक क्या कहते हैं, जिस बच्चे को हर एक चीज़ नहीं चलती है, माँ को उसकी टेंशन होती है, माँ उसके लिए हमेशा वरिड रहती है। सिमिलरली अपने बारे में सोचो, अपने को क्या मतलब क्या खुशी देगा वो चीज़ें सोचो। इसलिए सबसे फर्स्ट ड्रीम मैंने ये बोला कि हेल्थ के बारे में लिखो, खुद की हेल्थ के बारे में लिखो, खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में लिखो। और ये काम ये बुक बहुत अच्छे से करवा देती है बाय गिविंग अस द असाइनमेंट्स ऑन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड अगर फीलिंग्स चार्ट में देखा जाए तो थर्ड थर्ड टॉप मोस्ट फीलिंग होती है, उसके ऊपर लव होता है, उसके ऊपर एनलाइटनमेंट होता है। सो ग्रैटिट्यूड और लव में रहोगे हमेशा,
तो कायनात आपकी बात जरूर सुनेगी। तीसरी टेक्निक है अफर्मेशन, इस पे मैं दोबारा आऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। चौथी विजन बोर्ड, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये जो बॉलीवुड स्टार्स का मैंने आपको वीडियो भेजा, उसमें रणवीर सिंह ने क्या किया, अपनी फोटो मॉर्फ कर दी शाहरुख खान के फेस पे और उसको वॉल पे लगा लिया। तो उसको उसी प्रोडक्शन हाउस से ऑफर मिल गया जिससे वो दिलवाले दुल्हनिया बनाई थी जिन्होंने, और वो वही चाहता था, वही उसका ड्रीम था। आपका अगर ड्रीम है कि आप लॉयर बनो, लॉयर की फोटो निकालो गूगल से, अपना फेस मॉर्फ करो उसके ऊपर, प्रिंट आउट लो लगा लो। आपका ड्रीम है आपका बच्चा लॉयर डॉक्टर बने, या किसी को चाहिए कोई कार तो उस कार की फोटो लो, जिस कलर में चाहिए वो उस कलर की फोटो लो, अपने आप को उसके साथ माफ करो, अपनी फैमिली को, नॉट अपने आप को, अपनी फैमिली को उसके साथ माफ करो जिसके साथ आप उस कार में घूमना चाहते हो, उसके साथ माफ करो। बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, टू नेम फ्यू, पिक्स आर्ट, पिक्स कोलाज, और आईफोन में है स्प्लाइस और पिक्स आर्ट, दोनों ही हैं स्प्लाइस और पिक्स आर्ट। उसको यूज करके अपने आप को उसमें डाल दो फोटो में, और प्रिंट आउट लेके उसको रोज देखो, रोज सोचो कि हाँ ये सच है, हाँ ये कार है हमारे पास में, हाँ ये बच्चा है हमारी जिंदगी में जिनको बच्चा चाहिए, हाँ ये यूरोप जाना है फॉर एग्जाम्पल किसी को, तो हाँ हम एफिल टावर के सामने घूम रहे हैं, खड़े हैं, हम फोटो खिंचवा रहे हैं दोनों जने साथ में। ऐसा जो आप चाहते हो ड्रीम, उसको एक पिक्चर के फॉर्म में अपनी वॉल पे, नहीं दिखाना चाहते किसी को तो अपनी कबर्ड की वॉल पे लगा लो, रोज देखो, खूब सारा थैंक यू बोलो कि यस थैंक यू तुम मिले मुझे, थैंक यू। विजुअलाइजेशन, इसके बारे में हम ज्यादा बुक में बात करते हैं, बट एक छोटा सा हिंट है यहाँ पे वर्कशॉप में कि जो चीज चाहिए उस वो वैसा विजुलाइज कर लो, जो कार चाहिए वो आ गई है, आंख बंद करके आ गई है हमारे पास में, हम उसे चला रहे हैं, हैप्पीली घूम रहे हैं उसके अंदर, फीलिंग ऐड करना मत भूलना, हैप्पीली हैप्पीली घूम रहे हैं उस कार के अंदर। ये विजुलाइज करो, ऐसे वीडियो चला लो, एक वीडियो रील अपने दिमाग के अंदर सोचो, ऐसा वो चीज़ आपकी लाइफ में तुरंत भागी दौड़ी चली आएगी। जिसको बच्चा चाहिए वो बच्चे के बारे में सोचो कि हाँ दैट किड हैज़ कम इन आवर लाइफ, उस किड के आने के बाद में क्या क्या चेंजेस हो गए हमारी लाइफ में, हम जल्दी उठने लगे या हम रात को लेट सोने लगे, या उसके स्कूल के बारे में सोचने लगे या कॉलेज के बारे में सोचने लगे। सोचो 1 मिनट तक, एक ड्रीम को विजुलाइज करो, डेफिनेटली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, आपके सिटी के सनराइज टाइम से 96 मिनट्स बिफोर का टाइम, आपकी सिटी के सनराइज टाइम से 96 मिनट्स बिफोर का टाइम ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट्स तक रहता है, उस 48 मिनट्स में से कोई भी 10-15 मिनट निकालो, जल्दी उठो, मतलब विजुअलाइज करो कि जो आपको लाइफ में चाहिए वो मिल गया है, आप बहुत खुश हो, जितनी खुशी, जितनी स्ट्रांग फीलिंग्स के साथ में आपने विजुअलाइज कर लिया, उतना स्ट्रांग अट्रैक्शन हो जाएगा उस ड्रीम का आपसे, उतनी जल्दी वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी। वर्बल, सिर्फ उसी के बारे में बात करो, जो कार चाहिए सिर्फ उसके बारे में बात करो, गूगल करते जाओ, जो घर चाहिए वैसे मतलब आपका बजट है सपोज 55 लाख, लेकिन घर आपको जो चाहिए वो है 1 करोड़ का, कोई बात नहीं, 1 करोड़ के घर देखते जाओ। आप जैसे जैसे 1 करोड़ के घर देखते जाओगे, या तो आपके पास में पैसों का इंतजाम हो जाएगा, या फिर कोई एक ऐसी स्कीम का पता चल जाएगा आपको कि वो 1 करोड़ का घर आप ले सकोगे। ये मत सोचो कि कैसे लूंगा, मेरा तो बजट ही 55 लाख रुपए है, मैं कैसे 1 करोड़ का घर लूंगा, मत सोचो। ये मत सोचो कि ये जो जमीन जायदाद पे कब्जा हुआ है वो कैसे छूटेगा, उसका तो नेचर ही ऐसा है, मत सोचो। बस आप तो बोल दो, लिख दो कि वो जमीन मेरी हो गई, वो कार मेरी हो गई, वो घर मेरा हो गया, मैं उस घर में रहता हूँ, खुशी खुशी रहता हूँ। फिर देखो कैसे यूनिवर्स चक्र चलाएगी, साजिश रच देगी वो जिंदगी में, आपकी जिंदगी में लाने के लिए। खूब बातें करो उसके बारे में, जिनको बेबी चाहिए उनको, मतलब 2-3 टेक्निक्स हैं,
कि कबर्ड में जगह बनाओ बच्चे के कपड़े की, पलंग पे अगर जहाँ सोना सुलाने वाले हो वहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के सो। ये दो तीन टेक्निक्स हैं जिनसे आप अट्रैक्ट कर लेते हो वर्बली, स्प्रेड इट इन द यूनिवर्स। टाइम एंड साइज डजंट मैटर इन द यूनिवर्स। आपको लग रहा होगा कि वो 1 करोड़ रुपए का घर कैसे आएगा, यूनिवर्स के लिए इतनी इतनी ये तो मतलब बहुत छोटी, छोटा से भी छोटा, माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, उतनी छोटी बात है वो, यूं यूं पूरा कर देगी यूनिवर्स। बस विश्वास रखो, विश्वास रखो कि मिलेगा मुझे, वो जरूर देगी। अब आते हैं अपन ने जो ऊपर पॉइंट छोड़ा स्लाइड में, अफर्मेशन, प्रेजेंट टेंस, फीलिंग्स, इसके ऊपर। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, सबको पढ़नी चाहिए ये बुक, जरूर पढ़नी चाहिए। अवचेतन मन पावर, समन कैन से हिंदी में इसका क्या नाम है, संजना दी यू हैव दैट बुक राइट? ओके, सो कुछ है इसका हिंदी में नाम, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो हमारे शरीर में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, छोटा मगज बड़ा मगज ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। सो सबकॉन्शियस माइंड पहले बना था, कॉन्शियस माइंड बाद में बना था। कॉन्शियस माइंड आपके रीजनिंग वाला माइंड है, रीजन बताता है ये चाहिए क्यों चाहिए, वो चाहिए क्यों चाहिए, ऐसे कर क्यों, क्यों का जवाब आपको कॉन्शियस माइंड देता है, ये करने से ऐसा होगा, वो करने से वैसा होगा, ये आपका कॉन्शियस माइंड बताता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, मुझे कोई चाट खानी है दही वाली, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, मत खा जुकाम हो जाएगी, क्योंकि मेरा बिलीफ है वो कि मुझे दही खाने से सर्दी हो जाती है। रास्ता क्रॉस कर रहे हैं अपन और बिल्ली रास्ता काट जाए, कॉन्शियस माइंड बोलेगा लेट हो रहे हैं जल्दी चल, कोई बात नहीं काट गई कोई बात नहीं रास्ता जल्दी चल लेट हो रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, बिल्ली रास्ता काट गई है अड़चन आ जाएगी रुक जा 2 मिनट के लिए, क्योंकि आपका बिलीफ है वो, आप ऐसा सोचते हो आप ऐसा मानते हो इसलिए आपके साथ वैसा ही होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड के जो अंदर फाइल स्टोर हुई, अगर इसको अपन एक कंप्यूटर माने तो अंदर जो फाइल स्टोर हुई हुई है उसको बोलते हैं बिलीफ। ये हमारा विश्वास है कि ऐसा होगा। तो अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए तो आप अपना बिलीफ चेंज करो और वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर आपने अपना ये बिलीफ बना लिया कि रास्ता काट जाने से कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी, तो वाकई कोई अड़चन नहीं आएगी। अगर आपने सोच लिया कि दही खाने से मुझे सर्दी नहीं होगी, तो नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में हैं, जो मेरे रिश्तेदार जो दूध के ऊपर जूस पी लेते हैं या जूस के ऊपर दूध पी लेते हैं। मतलब मेरा तो बिलीफ है कि दूध खट्टा और दूध साथ में नहीं पीना चाहिए, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता है क्योंकि उनका बिलीफ है कि कुछ नहीं होगा। मेरे को हो जाता है क्योंकि मेरा बिलीफ है कि मुझे हो जाएगा, मुझे नहीं पीना चाहिए। सो अगर मुझे ये बिलीफ मेरा चेंज करना है तो कैसे करना है, अफर्मेशंस के थ्रू। बोलते हैं ना रोज 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 एक ही बात बोलते जाते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है, तो वही करना है हमारे को। रोज मुझे ये बोलना है अपने आप को कि दही खाने से कुछ सर्दी नहीं लगती, दही खाने से कुछ सर्दी नहीं लगती, नहीं सॉरी ये तो गलत हो गया, सॉरी नहीं तो वर्ड यूज ही नहीं करना है। मुझे दही सूट होता है, मुझे दही सूट होता है, मुझे दही सूट होता है, ये मुझे रोज अपने आप को बोलना है। फिर मेरा बिलीफ चेंज हो जाएगा और फिर मैं जब भी दही चाट खाने जाऊंगी मेरा सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं बोलेगा, कुछ मुझे रोकेगा नहीं खाने से, और खाने से मुझे कुछ होगा भी नहीं, सर्दी लगेगी भी नहीं, क्योंकि मेरा बिलीफ वो बन गया है। सबकॉन्शियस माइंड 2 समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, सुबह उठते ही और रात को सोने से 15 मिनट पहले। सो आपको अपने ड्रीम जो है उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट अपना एक अफर्मेशन बना के रात को ऑडियो में रिकॉर्ड करके सुनना है 15 मिनट पहले, और सुबह उठते ही सुनना है। सुबह उठते ही ना सुनो कोई बात नहीं, लेकिन रात को तो जरूर 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 सुनना है आपको रिकॉर्ड करके। सपोज आपको पतला होना है तो आई एम फिट एंड, जो भी आपको आइडियल वेट चाहिए 50 kg चाहिए, आई एम फिट एंड हेल्दी एट
हैविंग एन आइडियल वेट ऑफ 50 kg. ये रोज अपने आप को रात को बोल के सो, मैजिक हो जाएगा, वही अट्रैक्ट हो जाएगा. ये क्वांटम फिजिक्स का लॉ है. बहुत सारे जने हम मेरे कॉल पे अभी जो हैं वो ये बात से अग्री करेंगे कि हम तकिए को जो बात बोल के सो जाते हैं वो तकिया हमें उठा देता है. अगर हम बोलते हैं 4 बजे उठा देना, वो तकिया हमें उठा देता है. वो तकिया नहीं उठाता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उठाता है. रात को लास्ट बात जो आप बोल के सोते हो, वो अपने दिमाग को लास्ट 15 मिनट में जो बातें चला कैसेट चलती है यहाँ पे, वही वही पूरी रात दौड़ती रहती है. इसलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा सुन के सोना चाहिए, भजन सुन के सोना चाहिए, अच्छी बातें सुन के सोनी चाहिए, अच्छी बातें करो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टोर करके सो गए वही पूरी रात चलता रहेगा, अनकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं चलेगा. सबकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी लाइफ में, हमारे ऑर्गन्स में. सबकॉन्शियस माइंड से प्राणिक हीलिंग होती है. प्राणिक हीलिंग क्या होता है? फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने क्या किया, पट्टा बांध दिया, यू नो, ब्रेस बांध दिया. ब्रेस से थोड़ी ना बोन जुड़ती है, बोन तो अपने आप जुड़ती है. वो ब्रेस इसलिए बांधा जाता है ताकि वो राइट शेप राइट एंगल में जुड़े वो बोन. सेल्फ हीलिंग होती है हमेशा. दवाइयां लेना एक अलग बात है, पर वो दवाइयां असर कर रही है ये दूसरी बात है. वो असर करेगी या नहीं करेगी ये आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा. फ्रैक्चर में वो बोन जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी ये आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा. इतना पावर है उस सबकॉन्शियस माइंड में. क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड जो भी सोचता है, जो उसका बिलीफ है, जो सोचता है, वो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट हो जाती है. अगर आपने सोचा कि आई एम फिट एंड हेल्दी, तो आप फिट एंड हेल्दी हो जाओगे. अगर आपने रात को सोने से पहले सोचा कि आई एम ड्राइविंग दिस कार ऑफ ब्लैक कलर ऑफ दिस मॉडल, वो कार आपकी ज़िंदगी में जल्दी आ जाएगी. आप बोल के ट्राई करके देखो ये चीज़. सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के लिए अफर्मेशन का ऑडियो आपकी खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड करो. जो मेरे साथ कोर्स करने वाले हैं वो टेंशन मत लो, उनका चैप्टर वाइज चैप्टर रिकॉर्ड करवा देंगे, नो प्रॉब्लम. एग्जिस्टिंग बिलीफ को चेंज कर सकते हैं हम, या एक नया बिलीफ क्रिएट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस. बहुत पावर है हमारे अफर्मेशंस में. क्या रोज़ रोज़ अपने दिमाग को बोलते जाएंगे ना, वही लाइफ में हमारे होता चला जाएगा. तो क्यों ना अच्छा बोलें, क्यों ना वो बातें बोलें जो हमें चाहिए. सो दैट इज द लास्ट टेक्निक दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल. फेक इट टिल यू मेक इट. अभी घुटने में दर्द हो रहा है, फिर भी मैं तो यही बोलूँगी बोलने के लिए कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सब अच्छा है. मैं खड़े होकर खाना बना पा रही हूँ, मैं दौड़ पा रही हूँ, मैं मैराथन दौड़ने वाली हूँ थोड़े दिनों में. फेक इट टिल यू मेक इट. जितना फेक कर पाए आप अच्छे से, उतनी जल्दी वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी. क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि क्या रियल है और क्या क्या फेक कर रहे हैं हम. क्यों? क्योंकि रीजनिंग माइंड तो कॉन्शियस माइंड है, हम तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हैं. सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं चलता है कि ये झूठ है, वो उसको सच मान लेता है और वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर देता है. इसके लिए चाहिए बहुत प्रैक्टिस, जो कि 30 डेज की अपनी बुक जर्नी में असाइनमेंट्स के साथ साथ आ जाती है. कोई भी चीज़ को 21 डेज तक आप करो, वो आपकी हैबिट बन जाती है. लगातार 21 डेज, लगातार, एक भी ब्रेक, एक भी दिन का ब्रेक नहीं होगा, वो आपकी हैबिट बन जाती है. दैट इज़ वाई मैजिक बुक की जर्नी में एक भी छुट्टी नहीं है, संडे भी छुट्टी नहीं है. पूरे 30 डेज कंटिन्यूस अपन असाइनमेंट्स करेंगे. सो जो लोग मैजिक बुक कर रहे हैं मेरे साथ में, दे ऑलरेडी नो. दोज हु आर नॉट डूइंग, फॉर देयर इन्फॉर्मेशन, ये पूरी जर्नी में 1000 रुपी कमिटमेंट फीस है सिर्फ. उसके बाद में जितने भी सेशंस होंगे उसमें आप लाइफ टाइम इन्वाइटेड हो. आपको बस शिद्दत से एक बार ये सेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आप किसी भी सेशन में आ सकते हो.
ये सिर्फ आपका कमिटमेंट आ जाए, आप जब तक अपना कुछ लगता नहीं है तब तक वो कमिटमेंट आता नहीं है, इसलिए ये 1000 रुपये कलेक्शन हो रहा है, जिसको आई यूज़ फॉर द जूम का लाइसेंस बाय करने के लिए, या जो भी बुक के जर्नी में जो भी चाहिए अपने को मटेरियल उसको बाय करने के लिए। सो अपनी मैजिक बुक जर्नी में ग्रुप बुक रीडिंग होगी विथ लाइफ एग्जाम्पल्स, विजुअलाइजेशन सेशंस होंगे, शेयरिंग्स होंगी, आपको खुल के बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या मैजिक्स हो रहे हैं और क्या अड़चनें आ रही हैं आपकी मैजिक बुक जर्नी में। 5 या 6 लोग जितने भी लोग मतलब अपने होंगे उस जर्नी में उस समय कॉल पे, हम सब एक ही नाव पे होंगे, तो इसलिए बिना झिझक जो शेयर करना चाहते हैं आप लोग कीजिएगा। द शेयरिंग्स डन इन द ग्रुप हेल्प अस रिमेन कमिटेड, इंस्पायर्स अस कि हाँ उसने ये कर दिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? अरे वाह, सो कल से जो मैजिक बुक में आ रहे हैं एक नई कॉपी लेके आओ, नई कॉपी से शुरुआत करो अपनी, और पेन का जो कलर है वो या तो ब्लू रखो या रेड रखो या ग्रीन रखो, ये 3 कलर से ही अपन काम करने वाले। ब्लैक कलर को निकाल दो अपनी लाइफ से, हटा दो उसको कलर को। ब्लू ग्रीन रेड, मेरे पास रेड है, मेरे पास हमेशा रेड रहता है। सो कल से अपन एक नई कॉपी लेके आएंगे, और जो आपको लगे इम्पॉर्टेंट कि हाँ ये मुझे बाद में याद रखनी है चीज़, वो उसमें नोट करेंगे, फिर असाइनमेंट भी आप उसी बुक में करते चले जाइएगा। एनी क्वेश्चंस? परफेक्ट, ऑल गुड, सीमा जी ने थम्स अप दे दिया, उधर से भी थम्स अप आ गया। चलो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।